माननीय अध्यक्षा जी, देश में अनेक समस्याएं हैं। अंतर्गत समस्याओं को तो निराकरण करने की कोशिश हुई, ये बाहर के लोगों की और एक समस्या हमारे देश में खड़ी हुई है। रोहिंग्या को 1982 में म्यांमार के सरकार ने उनको नागरिकत्व देने के बारे में मना कर दिया। उसके बाद में वहां नरसंहार हुआ, आंदोलन हुए, पुलिस चौकी फूकी गई, हिंदुओं को मारा गया, बौद्धों के साथ लड़ाई हुई। अब वो वहां से भागकर बांग्लादेश में आए, वहां से हिंदुस्तान में आ गए। अब हिंदुस्तान में आए तो आए, वो कहां पूरे देश में फैल गए। वो जम्मू कश्मीर में है, वो दिल्ली में है, राजस्थान में है, उत्तर प्रदेश में, हैदराबाद में है, मुंबई में बांग्लादेशी लोग है। मैडम स्पीकर, ये बहुत ही गंभीर विषय है। जम्मू कश्मीर में तो इनकी एक घनी बस्ती बनी जिसमें रोहिंग्या और बांग्लादेशी इकट्ठा है। उनको सारी चीजें मिल गई, उनको रेशन कार्ड मिला, बिजली मिली, पानी मिली, अभी आधार कार्ड पर मिला। अब तो ऐसे होगा कि आगे चलकर अपने चुनाव भी लड़ सकते हैं ये लोग, सारी चीजें उनके पास है, वोटिंग कार्ड भी है। इसकी जड़ स्पीकर मैडम ये इलेक्शन कमीशन की वजह से है। इलेक्शन कमीशन के पास एक कानून ऐसा है, एक प्रावधान है उनमें, वो कहते हैं कि अगर कहीं भी रहने वाले हर इंसान को, भारतीय इंसान को वोटिंग का अधिकार है। अब हमारे शहर में समझ लो कोई फुटपाथ पे रहता है, तो फुटपाथ पे रहने वाले को क्या एड्रेस है, कुछ नहीं, किसी बिल्डिंग के सामने रहता है। तो इनके निरीक्षक जाते हैं और रोजाना देखते, तीन चार बार देख लेते हैं कि फलाना फलाना आदमी यहाँ सोता है, रहता है, हाँ ठीक है। तो चार बार अगर सो गया तो पता चलता कि नहीं, यही रहता है, इसको वोटिंग का अधिकार मिल गया। तो पहले उसको इलेक्शन का, वोटिंग कार्ड का अधिकार मिलता है, फिर रिवर्स साइकिल शुरू हो जाती है, फिर उसको सारी चीजें उल्टी 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 मिलती, वो हमारा मेंबर बनता है और हमारा नागरिकत्व लेता है। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदय को कहता हूँ, पूछना चाहता हूँ, इन्होंने, इनको तो आपने पंजीकृत भी कर दिया कुछ लोगों को, मेरे पास ऐसी, क्योंकि वो कहा है यूएन के, संयुक्त राष्ट्र के यूएनएचसीआर के पास शरणार्थी के तौर पर 2016 में पंजीकृत हुए। ये तो शरणार्थी नहीं है, ये तो अप्रवासी है, अवरजक है, फिर भी इनको शरणार्थी करके कैसी इस तरह से उनको सारी चीजें मिली है। अब मेरा सवाल इस बारे में है कि क्या सरकार इन सारे, उसी बीच में जो म्यांमार की स्टेट काउंसिलर है आंग सान सू की, उन्होंने कहा मेरे देश को धर्म और जाति के आधार पर मैं बांटने देने दूंगी नहीं। अब उसको लेकर उन्होंने कड़ी कार्रवाई की है। अभी हाल ही में मैंने ऐसे सुना कि रिजिजू, हाल ही में ऐसा सुना कि आंग सान सू ने कहा है कि इनको मैं यूएन के दबाव के कारण अभी वो लेने के लिए तैयार है। मेरा सवाल है कितने रोहिंग्या जी अपने देश में से, वहां 2018 की जनवरी में उन्होंने निर्णय घोषित किया, आज तक कितने लोग डिपोर्ट हुए, कितने रोहिंग्या जी बांग्लादेश उसमें म्यांमार में डिपोर्ट हुए। ठीक है। अध्यक्ष महोदय जी, मान्य सदस्यगण ने उसका परिपेक्ष और उसका इतिहास को भी गिन के बताया। हम लोग इस सदन में पहले भी बता चुके हैं कि जो रोहिंग्या है वो इस देश में रेफ्यूजी के स्टेटस नहीं है, वो इलीगल माइग्रेंट के रूप में यहाँ आए हैं। और जो इलीगल है उसकी एंट्री इलीगल है, उसके यहाँ रहना इलीगल है, तो उसको सरकार की तरफ से कोई सुविधा देने का सवाल ही पैदा नहीं होता है। दूसरा ये कि हम जो सरकार है संविधान के मुताबिक, हम भारतीय जो है, जो इंडियन सिटीजन है, उसको पहले हम तवज्जो देंगे, उनका राइट्स का हम पहले ध्यान रखेंगे। हम इलीगल माइग्रेंट्स का राइट को देने के लिए यहाँ नहीं है। इसलिए सरकार की तरफ से जो आपने कहा कि जो राशन वगैरह दिया है, कार्ड दिया है, कोई लीगली हमारे ओर से नहीं है। अगर कोई इस तरह का इलीगली कोई रजिस्ट्रेशन हुआ है या कोई रजिस्ट्रेशन जो फेक और किसी गलत तरीके से किए हैं तो उसका खिलाफ कार्रवाई किया जाएगा। माननीय गृह मंत्री जी ने पहले ही साफ साफ शब्दों में कह चुका है कि हिंदुस्तान का हर राज्य और केंद्र शासित प्रदेश इस चीज का सुनिश्चित करे कि वहां रोहिंग्या किसी प्रकार का कोई लीगल डॉक्यूमेंट हासिल ना करे, जिससे फ्यूचर में जाकर के वो हिंदुस्तान में कोई हक अपना जमा सके, इस तरह का कोई प्रावधान उसको नहीं दिया जाना चाहिए, ये साफ से कहा हुआ है। माननीय अध्यक्ष जी, मैं अभिनंदन करता हूँ माननीय मंत्री जी का, लेकिन जो उन्होंने कहा
वो सही मायने में हो रहा है कि नहीं, देखो मैंने यहाँ सदन में बोला है कि जम्मू कश्मीर में उनको सारी चीजें मिली है 6000 रोहिंग्या को, तो उसकी बात। मेरा दूसरा सवाल माननीय महोदया जी है, अध्यक्ष जी, कि ये रोहिंग्या क्या आतंकवादियों से कुछ उनका गुट मिला हुआ है क्या? और एक महत्वपूर्ण विषय ऐसा है कि पूर्वोत्तर राज्यों की बांग्लादेश, चीन, म्यांमार और भूटान के साथ 4500 किलोमीटर से अधिक सीमा लगती है। इसमें 1643 किलोमीटर भारत म्यांमार सीमा मिजोरम, नागालैंड, मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश में है। इस सीमा पर बाढ़ नहीं है, 16 किलोमीटर तक लोग आवागमन कर सकते हैं बिना किसी वीजा से। क्या सरकार इसके ऊपर देश की सुरक्षता के कारण कोई बंधन लगाएगी, बाढ़ लगाएगी, ताकि उसी रास्ते से सबसे ज्यादा बांग्लादेशी हो या म्यांमार से आए हुए रोहिंग्या हो, वो वहां से आते हैं, उस पर सरकार क्या कार्रवाई करेगी? धन्यवाद। अध्यक्ष महोदय जी, सबसे पहले तो जो सीमा का बारे में माननीय सदस्य ने पूछा है, बांग्लादेश और पाकिस्तान के पास साथ हमारा फेंसिंग का प्रोविजन है। म्यांमार, नेपाल, भूटान, इन देशों के साथ और चीन के साथ भी हमारा कोई फेंसिंग नहीं है, और हर राष्ट्र के साथ हमारा अलग एग्रीमेंट है और अंडरस्टैंडिंग है। तो जो 16 किलोमीटर के फ्री रेजिम का आपने बात किया, वो म्यांमार के साथ है, लेकिन रखाइन प्रोविंस जहां म्यांमार लोग बसते हैं, जहां से आते हैं, वो इस हमारा पूर्वोत्तर राज्य के है, जो 16 किलोमीटर फ्री रेजिम, वीजा रेजिम है, वहां पे ये नहीं आता है। और लार्ज स्केल रोहिंग्या उत्तर पूर्वी भारत से यहां आया नहीं है, इसलिए जो आज संख्या हमारे पास मौजूद है, जो इन्फॉर्मेशन है, वो बहुत लार्ज स्केल नहीं है। 8 लाख से 10 लाख के बीच में रोहिंग्या बांग्लादेश में बसा है, वो यहाँ एंट्री इसलिए नहीं हो पाया कि पिछले 3-4 साल में यहाँ कड़ी कदम उठाए गए हैं जिससे वो यहाँ एंट्री नहीं कर सकते हैं। लेकिन जो इलीगल एक्टिविटीज के बारे में आपने कहा है, हमारे पास रिपोर्ट है कि रोहिंग्या लोग कुछ गलत कार्रवाई, कुछ गलत काम और इस तरह के इलीगल एक्टिविटीज में जुड़े हुए हैं, वो तथ्य हमारे पास है, लेकिन उसको पूरा खुलासा करने का आवश्यकता नहीं है। श्री रामस्वरूप शर्मा, यस राजनाथ जी, 1 मिनट। अध्यक्ष महोदया, हमारे सहयोगी श्री किरण रिजिजू ने जो जानकारी दी है वो सही जानकारी दी है, लेकिन मैं स्पष्ट करना चाहता हूं कि रोहिंग्याज की एंट्री भारत के अंदर न होने पाए, इसके लिए बॉर्डर के ऊपर बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स और असम राइफल्स को भी हम लोगों ने पूरी तरह से सेंसिटाइज किया है, ताकि वह इंश्योर करें कि उनकी एंट्री न हो पाए। फिर भी बड़ी संख्या में रोहिंग्याज यहां पर आ गए हैं, और एक लेटेस्ट एडवाइजरी तो इसके पहले भी जारी की गई है, लेकिन एक लेटेस्ट एडवाइजरी जो हमारे गृह मंत्रालय से जारी की गई है फरवरी 2018 को, और उस एडवाइजरी में स्टेट गवर्नमेंट से ये अपेक्षा की गई है कि जितने भी रोहिंग्याज यदि आपकी स्टेट में हैं, तो उनकी इन्यूमरेशन यानी उनकी गणना करें कि कितने रोहिंग्या आपकी स्टेट में हैं, साथ ही उन्हें आप आइडेंटिफाई भी करने का काम करें, और एक जगह उनको कन्फाइन करें। ऐसा नहीं होना चाहिए कि रोहिंग्याज आपकी स्टेट में चारों तरफ बिखर कर रहें, जहां जहां इच्छा हो वहां जाकर रहें, ऐसा नहीं होना चाहिए। और साथ ही साथ उनकी बायोग्राफी भी तैयार करें और उनके बायोमेट्रिक भी लिए जाने चाहिए, यह भी एडवाइजरी जारी की गई है। और साथ ही उसी एडवाइजरी में हम लोगों ने यह भी कहा है कि उनके मूवमेंट को भी वाच किया जाना चाहिए, इसलिए पूरी सावधानी यह स्टेट्स बरतें, इस संबंध में एडवाइजरी जारी की जा चुकी है। जहां तक उनको डिपोर्ट करने का प्रश्न है, वैसे यह राइट, यह अधिकार राज्य सरकारों का भी है कि वह उनको डिपोर्ट कर सकती है। हमारे फॉरेनर्स एक्ट की जो आर्टिकल 3 है उसके तहत स्टेट गवर्नमेंट को भी इस प्रकार का अधिकार है, लेकिन जहां तक रोहिंग्यास को डिपोर्ट करने का प्रश्न है, उस संबंध में राज्य सरकारों से हम लोगों ने यह अनुरोध किया है कि उनकी गणना कराने के बाद, आइडेंटिफिकेशन के बाद, कितनी संख्या में रोहिंग्या आपकी स्टेट में रह रहे हैं, यह सब सारी जानकारी आप केंद्र सरकार को भेजें, और हमारे पास जब यह जानकारी आ जाएगी तो हम इस संबंध में विदेश मंत्रालय को अपनी जानकारी देंगे, और विदेश मंत्रालय फिर जो है बर्मा की सरकार के साथ वह बातचीत करके उनको डिपोर्ट करने का, म्यांमार से बात करके उनको डिपोर्ट करने का प्रयास करेंगे। रामस्वरूप।